के लिए। उधर औरैया के अक्षलता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए यहां मजाक बना हुआ है। दरअसल अस्पताल में हर दिन सर्दियों में लगभग 200 मरीजों का इलाज किया जाता है और गर्मियों में लगभग 500 मरीजों का इलाज होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस अस्पताल में डॉक्टर तो बैठते हैं लेकिन दवाइयां उपलब्ध नहीं। रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर बने सामुदायिक केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं का टोटा है और जिम्मेदार विभाग इतनी बड़ी लापरवाही से मुंह मोड़ कर बैठा है। जब चिकित्सा अधीक्षक से बात की तो उनका कहना है कि सामान्य बीमारियों के लिए दवाएं उपलब्ध हैं लेकिन गंभीर बीमारियों के लिए कुछ दवाइयां नहीं है। महीने पहले जो हमारे थोड़ी मेडिसिन की जो है कमी पड़ गई थी लेकिन फिलहाल जो है अभी मैं देख रहा हूँ महीने भर से जो हमारे पास सारी मेडिसिन उपलब्ध है। हमारे पास पहले कंप्लेंट आती थी कि एआरबी का और आपका जो है इंजेक्शन नहीं अवेलेबल है सीएससी पर, तो वो एआरबी का जो है इंजेक्शन हम जो है सफिशियंट जो है हमारे उपलब्ध है यहाँ पर। अच्छा, जो आपके पास मेडिसिन का एक डिस्प्ले बोर्ड बना हुआ है जी, उसमें ये मेंशन नहीं है कौन सी दवा है कौन सी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। बिल्कुल, तो ऐसे अगर बाय चांस पता कैसे चलता है कि कौन सी दवा? ऐसा हमारे पास जो है फार्मेसिस्ट के पास स्टॉक बुक बना हुआ है तो उस पर सारी जो है, अब उनकी गलती है क्योंकि जो है इसमें वो निशान नहीं लगा रहे, उस पर टिक नहीं लगा रहे, तो आज मैं कह दूंगा सब जो है उस पर टिक लगा दें। और चलिए सीधे रुक लेते हैं हमारे संवाददाता अमित की तरफ जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, सीएमएस का ये तर्क के जो सामान्य बीमारियां उनकी दवाइयां अवेलेबल हैं लेकिन कुछ जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी दवाइयां अवेलेबल नहीं है, तो क्या इस स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर बीमारी से ग्रसित पीड़ित लोगों का आना मना है ये मान लिया जाए? नहीं नहीं मैम, एक्चुअल में क्या है कि वहां पर स्थितियां ये बनी हुई है कि ये अक्षलता का सीएससी हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जो पहले रेलवे स्टेशन से बिल्कुल नजदीक है और यहाँ पर जब सामान्य तौर पर बुखार की तो दवा आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट या इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसमें आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है तो उससे रिलेटेड कोई भी दवा वहाँ उपलब्ध नहीं है, जिसको सीएमएस ने खुद ही स्वीकारते हुए ये बात बोली है कि यहाँ पर दवाओं के लिए बार बार रिक्वेस्ट डाली जाती है और वो दवाएं पूर्ति नहीं हो पाती है जबकि डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं और दवाओं को बाहर से खरीदना पड़ता है। तो बड़ी लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की जो यहाँ पर दवाइयां शिकायत करने के बावजूद भी, रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अवेलेबल नहीं है, ऐसे में मरीज कहाँ जाएंगे? जी मैम, सबसे बड़ी बात यही है कि मरीज तो आते हैं, पर्चा लिखवाते हैं और दवा मार्केट से खरीदते हैं। अभी जैसे ही हम लोगों ने वहां जब पता किया तो वहां इस तरह का भी एक मरीज मिला जिसके पेशेंट की डिलीवरी हुई थी, बच्चे का जन्म हुआ और उसको सारे इंजेक्शन और दवाइयां मार्केट से लानी पड़ी। तो मेन बात है कि वो देखने के लिए है, एक तरह से वो एक ऐसा क्लिनिक बन के रह गया जहां मेडिसिन अवेलेबल नहीं है लेकिन वहां पर केवल डॉक्टर्स हैं जो सजेस्ट कर देते हैं और दवा बाहर से खरीदनी पड़ेगी सरकार की। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ए के राय जुड़ गए हैं, सीएमओ औरैया के। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और उसके बावजूद यहां पर सामान्य बीमारियों की दवाएं हैं लेकिन गंभीर बीमारियों की नहीं है, सीएमएस खुद मानते हुए नजर आए, इसे किस तरीके से लिया जाए? हेलो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज कट रही है। ए के राय जी, अब आवाज क्लियर है आपको? हेलो हेलो एके राय जी, सवाल हमारा ये है कि ये तो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर हर तरह का मरीज आता है, फिर ऐसे में सामान्य बीमारियों की दवाई का अवेलेबल होना और गंभीर बीमारियों का ना होना जिसको खुद सीएमएस ने भी माना है, इसे हम किस तरीके से लें? हमारे यहाँ जो सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर सभी आवश्यक और इमरजेंसी दवाइयाँ उपलब्ध है। लेकिन आपके सीएमएस तो ऐसा नहीं मानते, वो तो कह रहे हैं कि कई बार रिक्वेस्ट भी की गई उसके बावजूद भी दवाइयां वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाती। चलिए, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो लोग हैं वो यहां ना आए? ये बड़ी लापरवाही विभाग की जिसके चलते दरअसल यहां पर जो गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग पहुंचते हैं उनको डॉक्टर तो मिलते हैं लेकिन दवाइयां नहीं मिल पाती।